बेटा हाँ मम्मी, ये दूध पी लेना। ठीक है। दूध नहीं पिएगा तो ताकत कहाँ से आएगा? या मम्मी, आप भी ना आशीर्वाद दीजिए। ठीक है बेटा, जा। कौन आया था? वो मम्मी आई थी दूध देने। अभी भी आप मम्मी से ही दूध पीते हैं? अभी आप आ गई है ना। पहले दूध पी लीजिए फिर। थैंक यू। थोड़ा सा आप पीजिए। रुक जाओ, मैं रखता हूँ। अब मैं रखती हूँ। चलो भेलपुरी खाते हैं। भैया भेलपुरी कैसे? भैया क्या खाओगे, भेलपुरी या पापड़ी चाट? भेलपुरी। भेलपुरी भैया, एक भेलपुरी देना। और कुछ? मैं अपने हाथों से। लगा चलो। अरे अब कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। और कहाँ? ध्यान से जाना और जल्दी घर वापस आना, ठीक है? मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। क्यों, घर पे मम्मी पापा है ना? मैंने आपसे शादी की है, मम्मी पापा से नहीं शादी की। मुझे आप चाहिए। अच्छा बाबा, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे, ठीक है? लव यू जानू। ओके जानू, बाय। भावना बेटा, आज रात मैं कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, आने में मुझे लेट हो जाएगा। तुम एक काम करना, तुम खाना खा लेना और दरवाज़ा बंद कर देना, अपना ख्याल रखना, समझी? उफ,
हेलो, क्या बात है? नहीं बहू, अभी तक कमरे में अकेले? कौन? इतनी जल्दी आवाज भूल गई? विनोद, तुम यहाँ? तुम्हारी एक सोने के खातिर इतना हक तो बनते ही है ना? Just shut up. Just shut your mouth. रखो फोन. ऐ सुनो सुनो सुनो, फोन मत काटना. अगर फोन काट दिया तो हमारी वो सब फोटोज तुम्हारे ससुराल के दरवाजे तक पहुंच जाएगा. विनोद यू पर्वर्ट, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें पाने का और कोई तरीका मुझे मिला ही नहीं. अब जल्दी से घर का दरवाजा खोलो. क्या? हाँ, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ. देखो विनोद, प्लीज तुम आ जाओ. तुम रात को आओ ना, रात को मिलते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, रात को 11 बजे मिलते हैं. ठीक है ठीक है, चलो. हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे पर्स लेना भूल गया. तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मेरी शादी हो चुकी है? उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या करो? हाँ छोड़ो मुझे. क्यों छोड़ो? हमारे बीच जो कुछ था वो क्या खेल था? और कुछ नहीं था. हाँ तुम्हें याद नहीं हूँ मैं? समझता क्यों नहीं हो? बोलो ना, क्यों नहीं समझते? हमारे बीच जो कुछ था सब कुछ भुला दिया तुमने, कुछ भी याद नहीं है. तुम मुझे इतना प्यार करते थे, तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों किए? मेरे पास और कोई चारा नहीं था. कैसे पता तुम्हें? एक ही रास्ता था तुम्हारे पास आने का. ऐसे ही मेरे पास रहना. भावना, मेरा टिफिन पैक कर देना. अभी आई. पहले प्रसाद ले लीजिए बाबूजी, अभी आती हूँ. भावना जल्दी आना. टिफिन. थैंक्स. भावना. हाँ बेटा, थोड़ा तेल गरम कर देना मालिश के लिए. जी बाबूजी, अभी लाए. हाँ, अरे और सुनो. हाँ तुम्हारी मम्मी कुछ दिन के लिए मायके गई है, तो तुम रसोई संभाल लोगी ना? जी पापा जी, मैं अभी ला दूंगी. ओके तब ठीक है फिर. जी पापा जी, आ रही हूँ. हाँ पापा, आज रात को मैं घर नहीं लौटूंगा, मुझे फील्ड पे जाना है. आप लोग खा लीजिएगा. ठीक है. भावना. हाँ बोलिए. तुम चिंता मत करना, कल सुबह तक मैं जल्दी आ जाऊंगा. ठीक है, है. बाय. भावना. भावना. जी पापा जी. बेटा यहाँ पर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है. मैं कह रहा था थोड़ा सरसों के तेल गरम करके ले आना मेरे लिए, क्योंकि मेरे पैर में और कमर में बहुत दर्द है. अच्छा मैं लाती हूँ. ले आना बेटा. हाँ और सुनो, खाने में आज क्या बनेगा? वो बैंगन की सब्जी और अंडा करी. ठीक है ना? ठीक है चलेगा. ठीक है, लेकिन तेल लाना मत भूलना. हाँ ठीक है बाबूजी.
बाबूजी। बैठो बेटा, बैठो। बहुत दर्द हो रहा है बाबूजी। हाँ बेटा, बहुत ज्यादा। आह, मैं अभी लगा देती हूँ, दर्द ऐसे ही गायब। हाँ हो जाएगी। हाँ। बैठ दीजिए ना। धीरे से धीरे से। और ऊपर बेटा, और थोड़ा ऊपर। ठीक है ना? प्रेशर ठीक है ना बाबूजी? बहुत आराम मिल रहा है, बहुत आराम मिल रहा है। बस करती रहो और इस तरह आराम देती रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना बाबूजी? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेशर ठीक है ना बाबूजी? बहुत अच्छा लग रहा है बाबा, करती जाओ करती जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नीचे और थोड़ा नीचे। हाँ, और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे। कौन? मैडम, कुरियर। हाय। कौन आ गया? हेलो मैम, आपका एक पार्सल था, ये लीजिए। और मैम, यहाँ पर एक साइन कर दीजिए ना। थैंक यू मैम। ये किसने भेजा? बाबूजी। हाँ बोलो। तेल लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। थोड़ा और ऊपर करो, और थोड़ा।
यहाँ दर्द है। इतनी जवानी कहाँ रखोगी, जरा मुझे भी तो इसका रस पीने दो। देखो ज्यादा नखरा मत दिखाओ, उस दिन रूम में क्या कर रही थी और किसके साथ थी? क्या उस दिन रूम में रात के टाइम उसके साथ क्या कर रही थी? मुझे सब पता है। क्या बताओ? रुक जा, दिखाओ तुझे वीडियो। ये देख, उस रात की तुम्हारी करतूत पूरा इस वीडियो में। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं बुलाऊ आ जाना, समझी? सुन, आ मेरे पास, मुझे अपना रस पीने दे, अपना रस पीने दे, पीने दे मुझे अपना रस पीने दे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, जब भी बुलाऊं चले आना, समझी? मुझे खुश करने के लिए। हाँ हो गया। बेटा तो बेटा, बाप भी फंस चुका है। आगे आगे देखो होता है क्या।